चार इंच भी मिट्टी नहीं निकाल रहे और कमजोर कर रहे हैं आप। मुझे रोड के ऊपर भैया कौन बोल रहा था? हमारा बचपन यही हुआ है, हमारी 55 साल उम्र है। क्या इसको लाइनिंग थोड़ी करोगे आप? कमजोर लाइनिंग नहीं करेंगे, स्लोप पे अरे स्लोप पैक ले दे रहे हैं, उसी मिट्टी आ जाएगी। ये मनमानी ऐसे साहब, ये पट्टुओं से मिट्टी खोद के यहीं डालने, ये मिट्टी फिर नहर के अंदर आएगी, आप भी देख रहे हैं इस चीज को। हम लोग कार्यालय गए, वहाँ ये बात उठाई जाके कि साहब ये नहर खुदाई सही नहीं हो रही है। कब से इस नहर में पानी नहीं आया, अब गेहूं लगाने वाली बात है, किस तरीके से आप खेती करेंगे अपनी? अब खेती तो हम मजबूरन में, हमने थोड़े बहुत अपना बोरिंग का साधन कर लिया है। हम लोगों की बोरिंगे भी हैं, इसलिए छोटा मोटा 4 इंची बोर है, बहुत दिक्कत होती है, डीजल इतना महंगा है। अगर सिंचाई नहीं है, क्या आशा थी इस सरकार से आपको, क्या आशा थी जब वोट मांगने आए? आशा ये थी कि नहर में और बहुत है, हमारे माननीय विधायक जी के पास हम लोग इसीलिए गए कि इस नहर का काम सही से होना चाहिए। तो अधिकारी किस तरीके से काम कर रहे हैं? अब अधिकारी तो भ्रष्टाचार कर ही रहे, हम लोगों की बात ही नहीं सुन रहे हैं।